हर वर्ष की भांति और इस वर्ष भी 2024 में आप लोग ग्राम धावई में सुन रहे हैं, जिसके गायक हैं मास्टर तेज सिंह ईश्वर अलवर राजस्थान से, ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई मोनू शर्मा हंडौली आगरा उत्तर प्रदेश, और पैर पर जो अपनी मधुरता दे रहे हैं मेरा छोटा भाई वीरेंद्र देशवाल रोनिजा, झीका पर झनका दे रहे हैं भाई ब्रजमोहन भटावली, यूट्यूब चैनल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास साउंड सर्विस जनूथल ठीक भरतपुर राजस्थान, मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय दशरथ सिंह जी, लीजिए सुनिए। सर्वप्रथम प्रांगण विराजमान श्रोताओं को, भक्ति स्वरूप मेरी माता और बहनों को, तेज सिंह इस वृद्ध का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें, और प्रत्येक कलाकार को आप सुनी रहे हैं, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, जिक्री के लिए बुलाया है, जिक्री गाना। और कल हमने साखी नहीं सुनाई आपके लिए, श्रोताओं की फरमाश कि भाई साखी आपके मुखार में से अच्छी लगती है, मैं बहुत बड़ा आभारी हूं आपका। आप अपना आशीर्वाद इस छोटे से गायक पर बनाए रखें। साखी अधिकतर आध्यात्मिक सुनाता हूं, साखी गहराई से जरूर सुनना। पिया तेने ऐसो कहा दुखी पायो, पिया तेने ऐसो कहा दुख पायो, कौन कहता है इस बात को? हो ये छोड़ दियो महल रे तेरी शोभा, अरे माटी है माफी चाहूंगा, एक एक
एक शब्द को सुनते रहना। ये 200 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय गौरव सरपंच साहब की तरफ से और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय ठाकुर जयसिंह जी की तरफ से और ये 100 रुपए आदरणीय लोकेंद्र सरपंच साहब उप सरपंच साहब उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महल में लग रहे 10 दरवाजे बजते बजते तरह तरह के बाजे पिया ने पहले नौरस लूटे पिया ने पहले नौरस लूटे अब तेरे सबरे रिश्ते टूटे पिया तो बिने छोड़ गए अपने गहराई करिए पिया तो बिने छोड़ गए अपने रह गए सब ही अधूरे सपने रह गए सब ही अधूरे सपने। निवेदन ये हम कागारे बात सुन रहे हो तुम कागारे बताइए 10-10 रुपए ले लो क्षमा चाहूंगा बार बार भैया जी। हाँ क्या बात है पिया तेने खुले लियो अरे पिया तेने नौरस लूटे अब तेरे सबरे रिश्ते टूटे पिया तो बिने छोड़ गए अपने। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सुशील कुमार महुआ निवासी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया जी पिया मत महल पे कागा उड़ाओ हरेंद्र लदा भाई बालों की तरफ से 51 रुपए और 51 रुपए आदरणीय हवलदार हेतराम जी की तरफ से और ये 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छा ये हमारे संचालक जी हैं इनकी नाती और नातनी उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपने मेरे लिए सम्मान दिया है पुरस्कार दिया वो बहुत बड़ा पुरस्कार है और सबसे बड़ा पुरस्कार तो यही है आप लोग मेरी चिकड़ी की कथा को जरूर सुनना और प्रत्येक कलाकार को आप लोग सुन ही रहे हैं परसों से। लेकिन भैया पिया मत महल पे कागे उड़ाओ खिलतो कमल फूल मुरझाओ तेरे शिथिल भय सब अंग रतन बनाया रंग महल के पिया कोई लगाना मेरे की पहचान दामोदर रिसिया कलाकार बंधु गाते हैं और कहते कुछ और हैं गाते कुछ और हैं लेकिन कोई औरत कह रही है साकी से मिलान कह रहा है अंतरा सुनाऊंगा एकला नहीं सुनाऊंगा। रोई गई है गोरी देह लगी कौन सी गोरी कह रही है वही गोरी रोई गई गोरी देह लगी लगी रे मेरा वो मेरा पिया ने छोड़ दिया हाथ रोई गई गोरी लगी
रोई गई गोरी दहल की, मेरा पिया ने छोड़ दियो हाथ। वो भी समय था देवर जेठ बने हैं माती सबई छोड़ गए साथ। कौन कौन है देवर जेठ माती? काम क्रोध मद लोभ और क्या बात है। देवर जेठ बने हैं माती सबई छोड़ गए साथ। ले चलता हूं जिक्री के प्रसंग की तरफ। प्रसंग वही है, ध्यान करो, एकाग्रता का दीजिएगा। याद है किसी श्रोता के लिए मैंने प्रसंग कल कहां छोड़ा जी? क्या बात है, क्या बात है भैया जी, बता रहे बहुत बहुत। यही श्रोताओं की पहचान होती है भाई, कलाकारों की तो आप पहचान कर ही रहे हैं। जो मैंने प्रसंग छोड़ा, प्रसंग का नाम बता दिया है कि राजा दिलीप का प्रसंग था। जो नंदिनी नाम की गैया थी, जिसकी सेवा में राजा दिलीप लीन हो गया, परमपिता परमात्मा का भजन करने लगा, उस गैया को बेहड़ में छोड़ दिया। एक शेर ने आके, एक नहर ने आके गैया को पकड़ लिया और गैया तीन वचन दे गई, मैं मेरे बछड़ा के लिए दूध पिलाकर अभी आती हूँ, मुझे बाद में खा लेना। आ गई, लेकिन वो बछड़ा संग में आ गया अपनी माँ की मदद करने के लिए। और गैया कहती है मुझे खा ले, और बछड़ा कहता है नहीं मुझे खा ले। दोनों की जब बात सुनी राजा की, खुल गई तारी और सुन लो कथा। राजा दिलीप खड़ा हो गया और कहा नहर से, ए जंगल का राजा, आगे कदम भी मत बढ़ा देना। क्यों? सुन, ध्यान से सुन भैया जी। धनुष बाण को उठा लिया और क्या कहने लगा, शेर पे तान भूप घुराया बेरी का लत्य भेट चढ़ाए तंग आगे Oh,
सुना उस जंगल के राजा नहर ने, राजा की जब बात सुनी तो बोलो शेरियों बेना है, खीर में मूसल बन रो है जाके लाल सुरख भये बेना है, तू है राजा अबधपुरी का, यहाँ राज बांटना तेरो, वन में हुकम चलेगो मैं जंगल का राजा हूँ और तू अबधपुरी का राजा है, इस बनी में तेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने तो ये सुना है अवधपुरी में बड़े ही न्यायकारी राजा हुए हैं, तू कहां से आ गया निर्दयी, और कहने लगा वो नहर राजा दिलीप से क्या। अरे तू निर्दयी अन्यायी राजा, बन रहा फिर जाकर रखवारा है, जो कष्ट प्रजा को ना समझे भू राजा जवान को लगाम दे ले, क्या कहा तूने मैं निर्दयी हूं, क्या मेरी अवधपुरी में अन्याय हुआ है, मेरे राज में किसी राजा के राज में अन्याय नहीं हुआ, सुन ध्यान से। सूर्य वंश का मैं हूं राजा, सूर्य वंश का मैं हूं राजा, मेरी अवधपुरी राजधानी है, की खातिर यहाँ के राजा भरे बात का पानी है, ओले सुन ले, कैया छोड़ मांग ले कुछ अभी, कुछ ही मांग ले, लेकिन कैया को हरगिज नहीं खाने दूंगा, कैया छोड़ मांग ले कुछ भी, मत कर आना कहानी है, मत कर आना कहानी है, लखन के तेरी भूख भुजा दूं खुद की पानी। गैया को हरगिज नहीं खाने दूंगा, तुम मुझे खा ले। ओह ऐसे सुना उस गैया ने बोली, गैया कहे नहर मोकु खा ले, तू मुझे खा ले। राजा जब तो देख एकदम दौड़ के कपला आई है, अरे नहर तू मोकु खा ले, क्यों रहो देर लगाई है, श्रोता बछड़ा बोलो या मैया मत खावे, मेरो मांस मिलेगो ताजा और मेरी सुन जंगल के, तू मुझे खा ले, ये मेरी माँ बुट्टी है, मेरा ताजा मांस मिलेगा। श्रोताओ गैया तो कहती है मुझे खा ले, बछड़ा कहता है मुझे खा ले, और वो राजा भी कहने लगा नहीं मैं इनको नहीं खाने दूंगा, नहा तू मुझे खा ले। लकती नकारू गानों सुनाऊं, क्या बात है, लखती नुन को रूप ध्यान जान ईश्वर को किया, ये कमलू के काम का नहर को किया।
₹100 का पुरस्कार गिरधारी पंडित जी की तरफ से। कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से, समय थोड़ा है। ये कैया मरवे में राजी राजी, ये कैया मरवे में राजी, बेटा ने निभा दियो फर्ज जीत गओ ये हारी बाजी। धूप ये है पत्तो दानी, नहर विचार कर रहा है। धूप ये है पत्तो दानी, कैया की खातिर खुद की राजा तेरा मुरवानी। ₹100 का पुरस्कार सिरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहर को बदलो इरादा है, नहर को बदलो इरादा है, मैं निकलो नीच हराम मेरे मरवे में ही फायदा है। नहर फिर मुक्ता सिंह फौजी रामनगर उनकी तरफ से क्या मरवे, मैं निकलो नीच हराम मेरे मरवे में फायदा है। नहर फिर बैठो धरनी में, वो तीनों कर दो माफ कसर मेरी रह गई गई करनी में। ₹100 का पुरस्कार करुआ पंडित जी चितौकड़ी निवासी, समय हो गया है, वही कल का समय है। चलिए कोई बात नहीं, फिर समझ, अच्छा अच्छा फिर समझ आऊंगा आपसे। और भैया जी ये ₹50 जो दे गए इन पंडित जी से ले लेना। हाँ साहब, भैया जी प्रभु का नाम समारो है, कथा पूरी करके रहूंगा, कथा समापन की ओर है। प्रभु का नाम समारो है, नहर ने तज दिए प्राण फिर स्वर्ग लोक समारो है। नहर दुनिया से विदा हो गया, मर गया, अब कहीं नहीं दिखता है वो शेर। तो धर्मराज जी आ गए और कहने लगे, राजा दिलीप एक कुरानी सुना रहा हूं बस, अंतिम है। सुनो कथा को सार, भूप तू सुरपुर को जाएगा, लाल तो जल्दी मिल जाएगा। भूपते ने भजन करो गाड़ो, भूपते ने भजन करो गाड़ो। एक ठुमरी फिर सुना रहा हूं, अलग सुना रहा हूं। मधुबन में राधिका नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका। बहुत ठुमरी आपने सुनी है। जाऊं पिया के पास कैसे जाऊं, तान सोन मोहन की मुरली की तान। फिर गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 16, फिर वापस करते हैं और क्या बोलते हैं, सारे गामा पद नि सा सा नि दा पा मा ग रे सा 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 नि दा दा पा पा मा मा ग ग रे रे सा। हट के सुना रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो केवल तालियों का प्यार जानना और ठुमरी के बोल क्या करे मोनी बेटा। मृदंग बाजे जी,
जो हमारे बुजुर्ग गाते थे, आज वो दुनिया में भी नहीं है। वो तजुर्बा मुझे याद है, ध्यान से सुनना क्या है के भूप तेने भजन करो गाड़ो। अब तजुर्बा क्या कर रहा है, अरे भूपतन भजन करो गाड़ो। संपूर्ण है गई कथा, लखन के गयो पर के